Raja Ram Chandri Maharaj Ki Jai, Bhagwan Ram Chandri Maharaj Ki Jai, Bhagwan Ram Chandri Maharaj Ki Jai,
प्राकट्य महोत्सव के दिवस पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कहा गया है कि ये जो लाभ है सत्संग का लाभ ये केवल पृथ्वी लोगों पर ही उपलब्ध है। स्वर्ग में वैभव मिल सकता है, ऐश वृष्टि मिल सकती है, जैसा कि हम सब सुनते हैं कि इंद्रदेव हुए सब ऐश वृष्टि करते हैं, लेकिन सत्संग का लाभ वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। हम पृथ्वी लोक पर हैं और पृथ्वी लोक पर ही सत्संग केवल उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान का कभी जन्मोत्सव मनाया जाता है, कभी दीपावली मनाई जाती है, कभी भगवान की जीत मनाई जाती है ना? किसी न किसी भगवान बहाने से हम भगवान को याद करते हैं। आज भी हम भगवान के जन्म दिवस पर एकत्रित हुए हैं एक ही भावना से कि भगवान जी देखिए, हर व्यक्ति इस संसार में दुखी है, क्योंकि संसार क्या है? एक दुखालय है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसार एवं दुखालय, संसार में केवल दुख है। तो हम संसारी हैं तो दुख तो स्वाभाविक है, पर सुखी कौन है? हम सब ने सुना हुआ है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? जो भगवान के दास बन जाते हैं। दास मतलब भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, क्या अच्छा क्या बुरा। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने किया, अगर हम मेहनत ना करते तो ये नहीं होता, और वहीं पे कहीं हमसे कुछ गलत हो जाए तो क्या कहते हैं, किसने किया? भगवान ने करा दिया है ना। तो भगवान कहते हैं दास वो है जो सुख भी गलती भी और अपनी अच्छाई सब कुछ मुझ पर समर्पित कर देता है, वो मेरा दासानुदास है, मैं उसकी धूली पाने के लिए उनके पीछे भागता हूँ। तो ये इन शब्दों के साथ आज के सत्संग महोत्सव में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान करते हुए गणपति जी के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी लगाएंगे। सभी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ साथ में सहयोग दें। गणपति राखो मेरी लाओ। संसार में हम सब हैं, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो जब हम ऑफिस में भी होते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारी लाज रख लेना। तो गणपति जी का ध्यान करते हुए गणपति जी से प्रार्थना करनी कि हे गणपति जी, हम जिस भी कार्य में हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, हमारी लाज रखना और हमें सफलता देना। हमसे कोई गलती भी हो जाए तो उसको दबा देना है ना। गणपति जी से प्रार्थना करेंगे, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो Thank you.
और भगवान से प्रार्थना करती है। एक मीठा सा भजन गाएंगे कि हे प्रभु, आप सबको शायद आता होगा, मेरा आपकी कृपा से शुभकामना है। सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, हाथ तो ऊपर कर दो फटे की, सबका हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है हम सब, है ना। तो बड़े भाव से गाएंगे। Oh,
Thank you.
क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये अंतिम जगह है। कहा है जहां पर मन लग जाए वहीं पे क्या है, जरा जोर से बोल दीजिए, जहां पर मन लग जाए वहीं पे क्या है वृंदा, जहां पर मन लग जाए वहां पे क्या है वृंदा, जरा जोर से बोल दीजिए कि बात क्या है। हम यही चाहते हैं बात जारी क्या है। तो हम सब कहां चलेंगे, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है समझ आते हैं, बहुत सुंदर है भगवान है, और भगवान की चाल ढाल स्वरूप सब बड़ा अद्भुत लगने वाला है। तो भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, मेरे कान का दीदार बड़ा प्यारा है,
Hey!
और किसी भी भवन में अगर हाजिर लगानी होगी तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसके बाद शुरू करेंगे। जैसे तो हमने जनता है
जो सरकार भी आज हो जाता है।
पहले देखिए अच्छा है, खुश हो जाते हैं। एक बार धीरे धीरे देखूँ जोश है कि टाइम टाइम पे सो सब ठीक हो गए। बोलो सच्ची सरकार की जय, सच्ची सरकार की जय, बिना पहरेदार की जय। आइए भगवान से प्रार्थना करें। सबने ऐसे तो भगवान जी के जन्म की कथा सुनी है, भगवान का जन्म कारण हुआ था, लेकिन भगवान ने हमें जीने के लिए क्या उपदेश दिया? जन्म का उद्देश्य क्या था जानते हैं? भगवान के जन्म का उद्देश्य क्या है? उस समय संसार में पाप बढ़ चुका था। पाप किसे कहते हैं? आप कहेंगे अग्नि को लगा है तो पाप वो है। उस समय जैसे हम सत्संग में बैठे तो हमें वो रोक तो नहीं रहा, हम अगर चाहते हैं तो बैठे, अगर नहीं चाहते तो चले जाएंगे। थोड़ा जब आपको मुझे पता चले कि सुन रहे हैं ऐसे तो मैं बोलता जाऊं, है ना? तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सृष्टि कभी नहीं बदलती, केवल बदलता क्या है? दृष्टि। क्या बदलता है? तो देखने का नजरिया बदलता है। सृष्टि पहले भी जो भगवान विषित थे तब एक रुपये के भगवान विषित बन के घूमता था। वो कहता था विषय तो कुछ भी नहीं है, उनकी गर्व तुम लगता था। तो उस समय इतना बुरा था, अब तो वैसा हाल है कि है भी। तो दृष्टि बदलती है, सृष्टि कभी नहीं बदलती। हम देखते कैसे हैं, समझ रहे? एक बार का थोड़ा प्रसंग सुनाता हूं। एक बार गोपियों ने सोचा, घर में आ गया कि भगवान जी तो हमारे साथ रास चलाते हैं, हमारे घर से रहते हैं और अपने आप को कहलाते हैं बाल ब्रह्मचारी। क्या कहलाते हैं? हम भी कहते हैं भगवान रास करते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हो? तो भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में मैं आपके साथ रास नहीं करता हूं, वो आपकी दृष्टि है। उन्होंने कहा हम कैसे माने? माता को यह है नहीं, भगवान ने कहा तो मनाना तो मुश्किल है। कैसे क्या किया है? भगवान ने कहा कि यमुना के पास, यमुना नदी है, उसके दूसरी तरफ दूसरे किनारे में दुर्वासा मुनि बैठे। सब जानते हैं दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं और तप कर रहे हैं, बहुत सालों से तप कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। आप 56 भोग लगाओ उनको खिलाओ। सभी ने भगवान की बात मानी, 56 भोग लगाए और सोचने लगे कि यमुना पार कैसे की है। यमुना को अपनी यमुना जो कुछ सिखाई है, उस समय में यमुना अपने प्रचंड मूल्य की पूरी। अब गोपियां मन में सोचने लगे कि यमुना को कैसे पार किया जाए। जो इंद्र को जाने आ रहे कि सोए पति पत्नी का सोने लगता है, सुन रहे हैं सभी? हाँ सुनते जाए तब मैं बीच बीच में जयकारा बुला रहा हूं। तो भगवान ने कहा आप यमुना जी से कहना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना जी रास्ता दीजिए। वो फिर सोचा हम तो यहीं पे रह जाएंगे, यात्रा के यमुना से पानी उठाए जो। पर जैसे ही यमुना के पास पहुंचे तो कहा कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी रास्ता दीजिए। यमुना जी तुरंत रास्ता जैसे भी यहाँ आदेश है जाते दुर्वासा जी को आते और कहा कि दुर्वासा जी हम आपके लिए 56 प्रकार का भोजन लाए। दुर्वासा जी ने कहा नहीं, दुर्वासा जी ने जितनी गोपियां जितना खाना था सारा वो तो गंगा को भी पी लेते थे, फिर खाना तो कुछ नहीं है उनके पास ना, तो सारा खा गोपियां सोचने लगी कि एक प्रसाद भी छोड़ा चाहे बाद में प्रसाद छोड़ देते हैं। तो दुर्वासा जी से कहा कि हम चलती हैं, वो तो सकते नहीं पता है पीछे वाले हैं, श्राप दे दिया यही कर भस्म हो सकते हैं। और
दुर्वासा जी से आग्रह है और कहा हम चलते हैं, लेकिन एक समस्या है दुर्वासा जी, हम यमुना को पार कैसे करें। दुर्वासा जी ने कहा यमुना के पास जाना और कहना कि दुर्वासा मुनि अगर सदावर्ती है, सदावर्ती मतलब कभी अन्न को खाया ही नहीं, तो यमुना जाता नहीं। अब योग के चक्कर में पड़ी हमारे सामने तो इतना गर्म खाए कैसे सदावर्ती है। तो ऋषि ने बोला मालूम पड़े चले गए यमुना जी के पास, यमुना जी भाई किसी में सजे हुए हैं, सब देख रहे हैं, सबको आसान हो
इसके पीछे कोशिश करना है। भूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहार, ओ मैं ही हूँ।
है ना, घर में बच्चे को भी बुलाओ तो वो भी नहीं आता, तो भगवान कैसे आएंगे? क्या कहेंगे? श्रृंगार मेरा प्यारे शोभा कहूं क्या इसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूं क्या इसकी, लगता है मुझसे ऐसी चीज मेरे पास I'm
जैसे कि मैंने भगवान का श्रृंगार किया सब ने, क्योंकि कोई पत्र पुष्पम फलम को गीता कहती है, भगवान कहते हैं पत्थर पुष्प फल को मतलब पानी, पत्ता भी ये भी होना चाहिए कौन सा पत्ता, फूल सिंगा कोई भी पत्ता, पुष्प भी नहीं होना कौन सा पुष्प, भी कोई भी है ना, तो Thank you.
और 5 मिनट बाद देखिए कथा में सूक्ष्म में सुनाऊंगा, उसके बाद हम हरि जो भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे ना, भगवान जब आएंगे तो हम कीर्तन करते हुए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ नाचते जाते झूमते हुए भगवान का स्वागत करेंगे ना। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, तो भगवान के जन्म का जैसे सबको पता ही है भाद्र भगवान जीना था, तो भगवान का जन्म क्यों हुआ? कंस का बहुत अत्याचार हो चुका था, कंस के अत्याचार थे, पृथ्वी त्रास थी। इनको दूसरी दे दीजिए, अंदर है, अंदर अरे अंदर है, अंदर से दे दीजिए, कोई बात नहीं। सब दुखी थे, यहां तक कि उनके सगे संबंध ही दुखी थे। अपनी बहन की शादी करता है बड़े धूमधाम से, लेकिन तभी क्या जब विदाई कर रहा है तभी आकाशवाणी होती है कि हे हंस, यशोदा का लाल तेरा काल हो। देखिए बुद्धि कितनी जल्दी बदलती है। अभी बहन की विदाई कर रहा था, जैसी आकाशवाणी होती है कि इसी का पुत्र तेरा काल होगा, तुझे मारेगा, डर गया। उसी समय अपनी बहन को कहते हैं पकड़ कर, चोटी से पकड़ कर, जो गुप्त होती है ना गुप्त, उससे पकड़ कर नीचे उतारा। देखिए किसी बहन की विदाई हो गई होगी और उसको विदाई के समय एकदम उतार करके मारने लगा, तब जो यदुवंशी थे उन्होंने क्या सोचा, कहते हैं जब जान पर ही आ जाए तो पहले जान बचानी चाहिए, है ना। धर्म कर्म तो बाद की बात है, जान है तो जान है ना, तो पहले जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए उन्होंने उनके पैरों में पड़े और कहा आपकी बहन है, इतने लोग देख रहे हैं, क्या देखेंगे कि आपने अपनी बहन की हत्या कर दी। अगर आपको लगता है कि इसका बेटा आपका काल बनेगा तो हमें आग बंदी गए में डाल दें, जो भी बच्चा पैदा होगा मैं खुद अपने हाथों से आपको दूंगा। अब कंस को लगा कि ये बात कुछ ठीक है, क्योंकि प्रजा के सामने विष्णु ने तो इतना अत्याचार मान लिया, कारागार में बंद कर दिया गया। कहते हैं एक के बाद सात बच्चों को कंस ने मार दिया। देखिए बाल हत्या महापाप में आती है, बाल हत्या किस में आती है? महापाप, एक तो पाप होता है, दूसरा महापाप, महापाप। तो सात हत्याएं कर दी, आठवीं में क्या हुआ? भगवान ने माया रची। कहते हैं कि रात को ही पहले अष्टभुजाधारी के रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं उनको, बाल गोपाल में, बाल गोपाल के रूप में कहा है कि आप चिंता ना करें, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपनी रक्षा करने में सामर्थ हूं, समर्थ हूं। जैसे ही कहते हैं भगवान का जन्म कारागार में हुआ और जेल के जितने दरवाजे थे खुद ब खुद खुल जाते हैं और भगवान को छोड़ने के लिए चलते हैं, बाहर बहुत तेज बारिश थी, जैसे आज भी मौसम कहते थे थंडर स्टॉर्म आएगा ना, पता नहीं आया है कि नहीं बाहर, पर बहुत तेज बारिश थी। यमुना पार करते करते कहते हैं बीच में डूब गए, इसमें कई रीजन बताते हैं ज्ञानी लोग, अब इतना तो टाइम नहीं है। अब उनको नंद बाबा के महल में छोड़ दिया गया, रात का समय था, वहां से देवी शक्ति को लाया गया। शक्ति जब कंस के वहां गई तो कहते कंस मारने के लिए दौड़ा, लेकिन शक्ति अपने कंस के हाथ से छूट करके हवा में उड़ गई, कहा कि तेरा काल जन्म ले चुका है। अब कंस डरने लगा कि मैंने तो इतनी सुरक्षा रखी थी, कहां जन्म ले लिया, बता तो जा। उसने कहा कि तेरे इर्द गिर्द ही है। तब अब वहां का प्रसंग समाप्त हुआ, लेकिन नंद बाबा के यहाँ रात को जो बच्चा रख के आए थे, सुबह जब होती है कहते हैं नंद बाबा की जो बहन है वो जब अपनी भाभी के कक्ष में जाती है तो क्या देखती है कि भाभी के नारायण भयो है। आपको पता कि नंद बाबा उस समय 90 साल के थे,
उस समय जो उनकी उम्र थी कितनी भी, और जैसे ही उनकी बहन ने देखा कि घर में लाला भयो है, जल्दी से जल्दी भैया के पास गई है, भैया को बताया कि घर में लाला भयो है, और भैया की खुशी का ठिकाना नहीं। इतने बुढ़ापे में अगर बेटा हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना। यहाँ पर तो 30-35 साल में ना हो तो टेंशन हो जाती है, वहां पे तो 90 साल की उम्र को। इसलिए नंद बाबा जब खुश हुए तो नंद बाबा ने क्या कहा, बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के आनंद भयो जो लाइन से सभी को मौका दें।
थोड़ा मैनेज करके थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सभी भगवान के आज जन्म महोत्सव का आनंद लें, बधाई भगवान को देंगे। क्या कहेंगे I'm gonna be the one.
इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ये आज यहाँ ना होते तो आपको भी मेरा आना नहीं आता, क्योंकि बिना एकदम के संगीत हो ही नहीं सकता। इन्होंने इतनी अच्छी विधान लगाए, हम सबका मन लगा दिया है इनके लिए, हम इनका सही तरीके से धन्यवाद करते हैं और राजा नहीं कि आगे भी आते हैं। बहुत बढ़िया जी। अभी हमारे के चरणों में हम आरती करेंगे, इससे पहले कोई अनाउंसमेंट है तो कृपा करके, जैसा कि सब देख रहे हैं मंदिर में न्यू रेनोवेशन हो गई है, ऑलमोस्ट हो चुकी है मंदिर ऑलमोस्ट नया हो गया, नीचे भी हॉल भी ऊपर भी। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमारे जो बोर्ड है उनका धन्यवाद, सभी साथियों से उनका आभार जताएं, क्योंकि अगर मंदिर होगा तभी हमारी सनातन परंपरा रहेगी है ना। तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो भी भक्त मंदिर में डोनेशन देना चाहें वो पीछे डोनेशन कर सकते हैं काउंटर पे। अभी मैं हमारे प्रेसिडेंट रमेश पंचाल से कहूंगा कि वो आपको दो शब्द बोले अपनी वाणी से। हमारे प्रेसिडेंट जी प्रधानाचार्य कहते हैं स्कूल में हेड मास्टर होते हैं वो बहुत जरूरी होता है ना, नहीं तो स्कूल का क्या होता है, रूल रेगुलेशन कंट्रोल में रहता है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो आपके सामने कुछ शब्द बोलेंगे। इसके बाद आरती होगी, सभी अपने अपने स्थान पर रहेंगे क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शन के साथ हम भगवान की आरती करेंगे। हाँ, आरती पंडित जी करेंगे। आप सबको जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे हम सब इलाकों से हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे हिंदू दादा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मैं अंग्रेजी में भी बोलूंगा कि उनको भी समझ आ जाए थोड़ी। Yeah, on behalf of the Board of Hindu Samaj of Hamilton and Region, I would like to thank each and every one of you for being here tonight. Especially, I would like to thank Mr. and Mrs. Jain for sponsoring this evening. Ladies and gentlemen, please give them a big hand. All the prasad provided today, right from morning 8 o'clock till right now, is provided by sponsored by Mr. and Mrs. Jain. Thank you so much. You've been part of our temple for such a long time and we really appreciate that. So, anyways, once again, wish you all a very best for the Janmashtami. As you know that we've done a lot of renovations in the temple, it has cost us a lot of money. But with the grace of God, we were able to meet the cost, but we still need some more money. I would appreciate if any one of you make a donation to the temple, it will be greatly appreciated. Thank you so much, and we'll carry on with the program. Give yourself a big hand, come on, taaliye zor se. Bade arse ke baad aisi ronak lagi hai aaj mandir mein, warna to corona kha gaya tha hum sabko. Thank you. Abhi aarti karenge, आरती के लिए सभी देखेंगे, पंडित जी आरती करेंगे बड़े भाव के और श्रद्धा के साथ जाएंगे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गा।